अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ये पॉलिसीज क्या हैं और एस्टिमेट्स क्या हैं, कैसे हम जानेंगे कि पर्टिकुलर थिंग इज योर अकाउंटिंग पॉलिसी एंड द पर्टिकुलर थिंग इज योर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एंड व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई अगर रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करने वाला तो वो भी बताएं। बोलो भाई, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? देयर आर सो मैनी अकाउंटिंग मैथड्स टू ट्रीट अ पर्टिकुलर थिंग, किसी भी चीज़ को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने के लिए कई सारे मैथड्स हैं, चाहे वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो और चाहे वो किसी वैल्यूएशन से रिलेटेड हो। क्लियर है? वैल्यूएशन किस चीज़ का, जैसे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन के हमारे पास कई सारे मैथड्स होते हैं, मालूम है ना, WDV रिटन डाउन वैल्यू मैथड, SLM स्ट्रेट लाइन मैथड, एन्यूटी मैथड, सिंकिंग फंड मैथड, हाँ, और आर्स मैथड, यूनिट्स मैथड, दे आर सो मेनी मैथड्स। और उनमें से जब हम किसी एक मैथड को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, पर्टिकुलर किसी एक मैथड को पिक कर लेते हैं कि चलो भाई अब इसी मैथड से हम लोग अपनी अकाउंटिंग करेंगे, नाउ दैट इज नोन दैट यू हैव ऑप्टेड योर अकाउंटिंग पॉलिसी, कि आपने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चुन ली। बात समझना, एक बार अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी ऑप्ट कर ली, नाउ यू आर नेवर फ्रीली अलाउड टू चेंज इट ओवर अगेन एंड अगेन। एक बार अगर आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चुन ली तो आपको उसी पॉलिसी को हर बार यूज करना है। अगर इस बार मैंने WDV मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, अगली बार मैं सोचूंगी SLM मेथड से चार्ज करूंगा, नॉट पॉसिबल एट ऑल, आपके साथ वो संभव नहीं है। क्या, अगर आपने WDV मेथड से डेप्रिसिएशन इस साल चार्ज कर लिया तो अगले साल किस मेथड से चार्ज करोगे, उसके अगले साल भी WDV? मींस कि अब अगर मैंने WDV चुन लिया तो अब चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगले साल अगर मेरा मन कर रहा हो कि सर हम तो SLM मेथड से अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, इज इट पॉसिबल टू यू और नॉट? नॉट, बट यस, दे आर थ्री कंडीशंस, तीन कंडीशंस हैं। अगर ये तीन कंडीशंस पूरी होती हैं तो आप WDV से SLM पर जा सकते हो, SLM से WDV पर जा सकते हो, WDV से एन्यूटी पर जा सकते हो, एन्यूटी से WDV पर जा सकते हो, मैथड को स्विच ओवर कर सकते हो अगर इन तीन में से कोई एक कंडीशन पूरी हो जाए। अच्छा, एक बात बताओ, कई मैथड्स से वैल्यूएशन करने के इन्वेंट्री को, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैथड, इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करने के कई सारे मैथड्स हैं, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा तो टेंशन ना लें, आएगा। इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करने के कई सारे मैथड्स हैं, उसमें से एक मैथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज मैथड, हाइएस्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज प्राइस मैथड, दे आर सो मेनी मैथड्स। अगेन, इफ यू आर जस्ट गोइंग टू पिक एनी वन ऑफ दोज मैथड, इट मीन्स यू हैव ऑप्टेड योर अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर आपने इन मैथड्स में से कोई एक मैथड चुन लिया कि चल बेटा अब इस साल से फीफो मैथड लगाएंगे, अगले साल भी आपको फीफो लगाना है, उसके अगले साल भी फीफो लगाना है, आप चेंज नहीं कर सकते, यू आर नेवर फ्रीली अलाउड टू चेंज इट ओवर। आप स्विच ओवर नहीं कर सकते एक मैथड से दूसरे मैथड पर आसानी से। फिर से, हमारे पास तीन कंडीशंस तो मौजूद हैं, अगर इन तीन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होगी तो हम अपने मेथड को चेंज कर सकते हैं। यानी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, कि वी हैव सो मेनी मेथड्स टू ऑप्ट, इफ वी आर जस्ट गोइंग टू पिक एनी वन ऑफ देम, इट मींस वी हैव ऑप्टेड आर अकाउंटिंग पॉलिसी, एंड वी हैव टू रिजिड टू फॉलो द सेम अकाउंटिंग पॉलिसी, नॉट ओनली इन दिस ईयर बट वी हैव टू फॉलो द सेम अकाउंटिंग पॉलिसी इन द नेक्स्ट ईयर और इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स टू। क्लियर है? इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। कौन सी वो तीन कंडीशन है? पहला, इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स, अगर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आप मेथड चेंज करो तो मेथड चेंज करेंगे। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 आया, कौन सा मेथड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 आया डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का। इसने कहा कि आपके पास दो ही मेथड हैं, या तो आप SLM मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करो या तो WDV मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करो, देयर इज नो एनी अदर थर्ड मेथड टू फॉलो। जब भी अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, उस समय आपको कोई दो में से एक मेथड फॉलो करना है। कौन सा मेथड? या तो WDV या तो SLM। अच्छा, अब तक हम यूज करते थे एन्यूटी मेथड, कौन सा मेथड यूज करते थे? एन्यूटी मेथड। अब जरा हमें बताओ कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के इन्फोर्समेंट होने के बाद, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के लगने के बाद, क्या हम एन्यूटी मेथड यूज कर पाएंगे? इसका मतलब हमें एन्यूटी मेथड को छोड़ करके कितने आना पड़ेगा?
SLM या WDV, पक्की बात है ना, बोलो। अच्छा पहले हम मेथड यूज़ करते थे आर्स मेथड, तो पहले मेथड यूज़ करते थे आर्स मेथड या यूनिट मेथड, अब आ गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, उसने कहा या तो आप WDV मेथड यूज़ करोगे या तो SLM मेथड यूज़ करोगे। अब बताओ हम कहाँ जाएँ, आर्स मेथड को यूज़ करें या ना करें? नहीं करेंगे, अब किस में आएंगे, या तो WDV में या तो SLM में। पहले हम यूनिट मेथड यूज़ करते थे डेप्रिसिएशन का, अब किस में आना पड़ेगा, या तो WDV में या तो SLM में। क्लियर हुआ? अच्छा दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो समझ में आई, इफ एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर, दूसरी कंडीशन है इफ एनी एक्ट स्टैच्यू और लॉ रिक्वायर्स टू चेंज इट, अगर कोई कानून जिससे हम गवर्न होते हैं वो हमें कहता है कि आप इस मेथड को छोड़ दो, आप इस नए मेथड को ले आओ, तो हम इस नए मेथड को यूज करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि हमें एक्ट कह रहा है, कानून कह रहा है, स्टैच्यू कह रहा है, लॉ कह रहा है, वो रिक्वायर कर रहा है कि आप अपने पुराने मेथड को छोड़कर नए मेथड पर आओ, तो हम चेंज करेंगे नहीं करेंगे? तीसरा, अगर हमको लगता है कि उस मेथड को छोड़ करके इस नए मेथड को फॉलो करने से हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट और PL अकाउंट पहले से बेटर प्रेजेंटेशन देगा, तो हम इस नए मेथड को यूज करेंगे। अब बात समझ में आई? तो तीसरा मेथड तीसरी कंडीशन थोड़ी लिबरल टाइप की है, नहीं जब मन में आया चेंज कर दिया ना, लिबरल नहीं है, बार बार आपका मन करेगा तो आप बार बार मन की नहीं मानेंगे। क्लियर हुआ? पिछले साल आपका मन कर रहा था WDV, तो WDV इस साल अब लग रहा है कि नहीं नहीं SLM मेथड यूज़ करने से हमारा बेटर प्रेजेंटेशन होगा, तो इस बार SLM यूज़ करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप पिछली बार WDV यूज़ कर रहे थे, इस बार भी WDV यूज़ करना पड़ेगा, अगली बार भी WDV यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अगर इस साल लगता है कि ना हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए SLM यूज़ करना चाहिए, तो आप SLM में जा सकते हो, लेकिन अगेन आपको रिजिड रहना पड़ेगा इस मेथड के साथ। क्लियर हुआ? ये अकाउंटिंग एस्टीमेट्स क्या हैं, कोई बता सकता है हमको ये अकाउंटिंग एस्टीमेट्स क्या हैं? लेखांकन पूर्वानुमान कोई बताएगा? हाँ बोलो। सुन ले, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ढंग से सुनना। ये फर्नीचर है, इस फर्नीचर को मैंने परचेस किया था 50,000 रुपए में। कितने में? 50,000 इस आदित्य ने भी खरीदा। कितने में? 50,000 में। तुम्हारा क्या नाम है? संदीप। संदीप ने भी यही फर्नीचर खरीदा। कितने में? अच्छा पहले तो एक चीज बताओ कि अगर कोई चीज, कोई एसेट बैलेंस शीट में जीरो हो गया हो डेप्रिसिएशन लगा लगा करके, बैलेंस शीट में अगर कोई चीज़ ज़ीरो हो गया हो डेप्रिसिएशन लगा लगा कर, तो ये बताओ क्या वो एसेट काम कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पक्की बात है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अरे मेरे भाई, ये पंखा पिछले 10 सालों से चल रहा है, 2 साल के अंदर मैंने इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करके बैलेंस शीट में इसको ज़ीरो लिख दिया था। कितना लिख दिया था? हवा नहीं दे रहा है, तुम लोग हवा नहीं खा रहे हो क्या? उसको पता चल गया था, अरे हम तो बैलेंस शीट में ज़ीरो हो गए अब कैसे चले, पता चल गया था। तो कोई चीज़ अगर बैलेंस शीट में ज़ीरो हो गई हो डेप्रिसिएशन चार्ज करते करते, इसका मतलब तो ये बिल्कुल ना निकालना कि वो एसेट यूज़ नहीं हो रही हो। हो सकता है वो एसेट अभी 10 साल और चले, लेकिन बैलेंस शीट में कितने में दिख रही है? ज़ीरो, बिकॉज वी हैव चार्ज डेप्रिसिएशन 100%। तो ये चीज़ तो दिमाग में बैठा, क्लियर है? अब आते हैं अपने मुद्दे की बात पर।
फर्नीचर खरीदा 50,000, मुझे लगता है, मैंने कहा मुझे लगता है कि ये फर्नीचर चलेगा 5 साल। कितने साल? क्यों, लगने पर मना कर दोगे? 5 साल। आदित्य को लगता है कि ये फर्नीचर चलेगा 10 साल। कितने साल? मना कर दोगे उसको कि ज़्यादा क्यों नहीं बैठा, घसना चाहिए था फर्नीचर को। अच्छा, संदीप को लगता है कि ये फर्नीचर 1 ही साल चलेगा, इतना ज़्यादा बैठ जाएगा क्यों, टूट जाएगा। चलो 1 साल, ये हमने कहते हैं इसको यूजफुल लाइफ। आगे एक और वर्ड जोड़ दे रहे हैं, इकोनॉमिक। क्लियर है? यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। अच्छा, हमें लगता है कि हम इस फर्नीचर को 5 साल बाद 10,000 में बेच देंगे, मना कर दोगे? डेप्रिसिएशन कब चार्ज करना है, आज या 5 साल बाद? आज चार्ज करोगे? अरे हमें तो जब 5 साल बाद नहीं स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, तो कब चार्ज करोगे डेप्रिसिएशन? अरे डेप्रिसिएशन आज नहीं चार्ज करोगे, जब तुम एसेट यूज़ कर रहे हो तब ना डेप्रिसिएशन चार्ज। कंफ्यूज क्यों होते हो तुम लोग? सीधी सी बात है, डेप्रिसिएशन आज ही ना हमको चार्ज करना है। आज हम यूज़ कर रहे हैं तो आज चार्ज करोगे? ये पेन मशीन से आज बन रही है तो इस पेन पर डेप्रिसिएशन लगा हुआ है क्या मशीन का? क्यों नहीं लगा हुआ है? ये जब पेन निकली थी मशीन से, अरे 1 लाख रुपए की मशीन थी, कितने की मशीन थी, उससे 10,000 यूनिट्स निकलनी थी, चलो 1 लाख यूनिट्स निकलनी थी। 1 लाख रुपए की मशीन से 1 लाख यूनिट्स का आउटपुट आना था। इसका मतलब ये जैसे ही पेन बाहर आई, मशीन से 1 रुपया निकलकर इसके ऊपर लग गया, यानी इसकी कॉस्ट 1 रुपए से बढ़ गई। दूसरी पेन निकली मशीन से, उस पर भी मशीन का 1 रुपया निकलकर इस पर आ गया, मशीन 1 रुपए से घट गई और उसकी कॉस्ट कहाँ चार्ज हो गई? पेन पे। अब क्लियर है? तो जैसे जैसे कोई चीज़ यूज होती है, डेप्रिसिएशन लगता जाता है। तुम लोग जिस फर्नीचर पर बैठे हो उस पर 100% डेप्रिसिएशन लग चुका है, कब गिर जाए पता ही नहीं लेकिन यूज तो हो रहा है ना। चलो, 1 लाख यूनिट्स यानी कि हर एक यूनिट पर कितना डेप्रिसिएशन? जैसे ही एक यूनिट निकली 1 रुपए का डेप्रिसिएशन, जैसे ही यूनिट निकली 1 रुपए का डेप्रिसिएशन, कोई दिक्कत? यहां पर भी जरा देखना, 50,000 का था, 10 साल यूज करना था, 5 साल यूज करना था मुझको, 10,000 रुपए उसकी स्क्रैप वैल्यू, मुझे लगता है कि मैं 5 साल बाद इस लायक हो जाऊंगा कि इस फर्नीचर को मैं 10,000 में बेच दूंगा। मैं बेचने नहीं जा रहा हूं, अभी अभी तो खरीदा है और बेचने की बात हो रही है। अभी अभी फर्नीचर खरीदा है और बेचने की बात हो रही है, बेच नहीं रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि 5 साल बाद मैं इसको बेच सकता हूं। क्लियर है? ये आदित्य सोचता है कि 10 साल बाद ये फर्नीचर को कितने में बेच लेगा, हो सकता है 20,000 में। बड़ा तेज आदमी है, औरों से तेज है। हम 10,000 में 5 साल में बेच पा रहे हैं, वही फर्नीचर वो 10 साल यूज करके कितने में बेचेगा? 20,000 रुपए में। और ये 1 साल बाद हो सकता है 0 में बेचे संदीप। ठीक, अब देखो, अब अगर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना हो तो हम कैसे चार्ज करेंगे? 50,000 रुपए माइनस 10,000 रुपए, क्योंकि अब हमारे पास तो 40,000 ही डेप्रिसिएशन के लिए मौजूद है, 50 में से 10 मिल गया। लाइफ कितनी है? 5 साल, यानी हर साल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? 8,000। अच्छा, इस केस में देखो जरा, 50,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स यानी 3,000। और इसके केस में 50,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 साल, 50,000 रुपये एक ही साल में ये डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। तीनों लोग सही हैं क्या? हम तीनों लोग सही हैं? एक ही टाइप की एसेट है और तीन लोग अलग मेथड से डेप्रिसिएशन, एक ही मेथड यूज़ कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का, लेकिन तीनों का आंसर अलग अलग आएगा। क्या बात कर रहे हो, तीनों का अलग आएगा? हाँ, क्या दिक्कत है? मैंने क्या कहा, मुझे लगता है कि एसेट 5 साल चलेगी। दिस इज योर अकाउंटिंग एस्टीमेट, दिस इज योर अकाउंटिंग एस्टीमेट। मुझे लगता है कि 5 साल बाद मैं इस एसेट को 10,000 में बेच पाऊंगा, दिस इज अकाउंटिंग एस्टीमेट। ये मैंने एस्टीमेशन किया है, इसने भी एस्टीमेशन किया और इसने भी एस्टीमेशन किया है। क्या बात समझ में आई? यही फर्नीचर यहां पर जो यूज हो रहा है 5 साल चलेगा,
तुम लोग अपने घर ले जाओगे शायद 25 साल चल जाए, हो सकता है होटल में एक साल भी ना चल पाए। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आई बात? ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पर अब डिपेंड करता है आप उसकी यूजफुल लाइफ कितनी मानते हो, यूजफुल लाइफ कितनी मानते हो और उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी मानते हो, ये अब आपके ऊपर है। और ये दोनों चीज़ें कही जाती हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। और जरा देखो जो मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है किस मेथड से चार्ज किया है, ये SLM अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाती है। बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि जो SLM मेथड होता है, मेथड किसी भी चीज़ के रिकॉर्ड करने के कई मेथड होते हैं, वैल्यूएशन करने के कई मेथड होते हैं, तो जब हम डेप्रिसिएशन का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो उसके लिए जो मैंने मेथड चुना है वो है SLM। WDV था, SLM था, NUT था, फलाना था, डिमाका था, उसमें से मैंने SLM चुन लिया। ये हमारा क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी। मीन्स अब मुझे हर साल अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी यूज़ करनी है? SLM। क्लियर? लेकिन यहाँ के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब हम SLM मेथड से कैलकुलेशन कर रहे थे तो ये और ये मेरा क्या है? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ये क्या है? अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये क्या है? अकाउंटिंग एस्टिमेट। अब बताओ ये 5 साल बाद मैं इस एसेट को कितने में बेचूंगा? 5 साल खत्म हो गया, अब मैं कितने में आज बेचूंगा? आज 5 साल हो गया, चलो अब कितने में बेचूंगा? जरूरी नहीं है, हो सकता है 10,000 की चीज़ जो मैंने सोची थी बिक जाएगी 1,000 रुपये में बिके, हो सकता है बिके ही ना, हो सकता है 20,000 रुपये मिल जाए। अब बात समझ में आई? वो तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो जाएगा, क्या दिक्कत है? अब क्लियर है? पक्का? इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंटिंग एस्टिमेट समझ में आए? अकाउंटिंग एस्टिमेट के लिए सर कोई रूल है क्या? जैसे आपने कहा अकाउंटिंग पॉलिसी कैन नेवर बी चेंज्ड इजीली, इन द सेम वे इज इट पॉसिबल इन द केस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट? क्या हम अगले साल इसको चेंज कर सकते हैं? अगर अगले साल मुझे लगता है कि बेटा देख तूने 50,000 में से 8,000 डेप्रिसिएशन घटा दिया तो अब एसेट कितने की बची? 42,000 की। हाँ या ना, 50,000 रुपये की एसेट खरीदी थी, 8,000 डेप्रिसिएशन लगा दिया, बची कितने की? अब अगले साल मुझे लगता है ये क्या कर डाला दिलीप तूने, 10,000 रुपये के बदले तेरे को लिखना था 5,000। कर सकते हैं क्या चेंज अगले साल? हाँ। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पर कोई रूल नहीं लगते, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पर कोई रूल नहीं लागू होते। आप अगले साल 10,000 की जगह 5,000 स्कोर लग सकते हो। अब बताओ 42,000 की मेरी एसेट्स है और मुझे लगता है कि आने वाले 4 साल बाद, अब जो 4 ही साल बचे, अब कितने साल बचे? 5,000 रुपये में बिकेगी और 4 साल बचे, निकाल लो ना नया डेप्रिसिएशन। देखो 7400 शायद आ रहा है, शायद 7400 शायद, देख लो भाई। नौ हजार, देखो हम तेज आदमी थे, ठीक है ना, 9,250। डेप्रिसिएशन कितना आया? 9,250। हम 5 साल में डिवाइड कर दिए थे, सॉरी 9,250। अब आप ये डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, पक्की बात है ना? अब आते हैं कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया 42,000 में से 9,250, कितना बचा अगले साल के लिए? 32,750 ये मेरे पास बचा वैल्यू। अब मुझे लगता है कि बेटा देख 5,000 तो मिलेगा, लेकिन तूने अब कितना साल यूज करना था एसेट को? 3 साल और, लेकिन अब लोग मुझे लगता है 2 ही साल यूज करना है, क्या चेंज कर सकते हैं इसको? हाँ, क्या दिक्कत है? एस्टिमेट ही तो है। अब आप 2 साल में इसको राइट ऑफ कर सकते हो, 13,875। सोचो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में इफ यू वांट टू चेंज यू आर फ्रीली अलाउड टू चेंज, क्लियर? बट इन केस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी यू आर नॉट फ्रीली अलाउड टू चेंज। SLM मैंने यहां भी यूज किया, SLM मैंने यहां भी यूज किया। देख अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने यूज की या नहीं की, लेकिन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में हम चेंजेस ला सकते हैं। क्लियर हुआ? नोट करना हो नोट करो। आया समझ में?
नोट करना हो नोट करें, नहीं तो हम आगे बढ़े। उस बच्चे ने एक चीज़ बताई थी, क्या नाम है तुम्हारा? राकेश ने हमें एक चीज़ बताई, सुनो कितनी अच्छी चीज़ बताई। जब मैंने पूछा था कि आप अकाउंटिंग एस्टीमेट से क्या समझते हैं, तो इसने कहा था कि सर प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, जैसे हम लोग सोचते हैं 5%, तो 5% हम लोग हर साल प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स चार्ज करते हैं। ये कहता है दिस इज़ आर अकाउंटिंग एस्टीमेट, लेकिन बेटा मैं ये कहता हूँ कि अकाउंटिंग पॉलिसी हो जाती है जब आप रेगुलरली इसको यूज़ करते हैं, रेगुलरली आप यूज़ करते हैं। इफ़ यू आर जस्ट रिजिड विथ 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, देन इट इज़ योर अकाउंटिंग पॉलिसी। बट इफ़ यू आर जस्ट गोइंग टू चेंज इट ओवर अगेन एंड अगेन इन ईच एंड एवरी ईयर, इस साल के लिए अगर आपने माना 5%, अगले साल के लिए लेकर चल रहे हो 10%, उसके अगले साल मानोगे 12%, इट मीन्स यू आर जस्ट गोइंग टू ऑप्ट योर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। दोनों में फ़र्क समझना, ठीक है? तो इसीलिए मैंने उस समय उस पर कोई कमेंट नहीं दिया था। दोनों में फ़र्क समझ में आया? अगर आप 5% पर रिजिड हो जाते हो, इट मीन्स ऑटोमेटिकली इट बिकम्स योर अकाउंटिंग पॉलिसी, हाँ या ना? लेकिन अगर आप हर साल उसको चेंज करते हो तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है।